आप देख रहे हैं केजीएन मिथिला न्यूज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपट्टी के सभागार में नवगठित रोगी कल्याण समिति की बैठक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएन झा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मरीजों के हित के लिए कई नए प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु स्टेशनरी खरीद का भुगतान, चादर धुलाई, साफ सफाई तथा दवा के पर्याप्त भंडारण सहित अन्य खर्चों का भुगतान व अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभाग से पत्राचार करने हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के अलावे स्नैक बाइट तथा डॉग बाइट के साथ साथ सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएन झा ने दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएन झा, डॉक्टर पीएन झा, डॉक्टर श्रीमती शोभा झा, स्वास्थ्य मैनेजर राजेश रंजन, जिप सदस्य मिलन देवी, बबलू गुप्ता, लेखापाल उदय प्रसाद गुप्ता व लिपिक इंद्रदेव प्रसाद भी मौजूद थे। सभी लोग उपस्थित हैं और इनको रोगी कल्याण समिति के निधि एवं खर्चा के बारे में हम अपने तरफ से स्पष्ट कर दिए हैं और इन लोग से भी सलाह मांगे हैं। आप लोग अपने स्तर से अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो सलाह दीजिए, उसको हम लोग अनुकरण करेंगे और उसी अनुसार जो मरीज जो आता है उसका हम लोग कहते हैं जो मेरे पास संसाधन है उसको लाभ। अभी तक जो बैठक हुई इसमें क्या प्रस्ताव महत्वपूर्ण आया है इन लोगों के द्वारा? इन लोग के द्वारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पहला इन लोग से हमसे पूछे जो आपके यहाँ स्नेक बाइट का इंजेक्शन है कि मेरे यहाँ स्नेक बाइट का इंजेक्शन है। इन लोग क्वेश्चन उठाए जो है स्नेक बाइट का इंजेक्शन का अलावे और जो उसमें दबा तो उसके लिए जो है मेरे पास उतना दक्ष डॉक्टर स्नेक बाइट का इलाज स्पेशलाइज डॉक्टर से किया जाता है। यहाँ हम लोग दो MBBS है और यही लोग मेन इलाज के जो जानकारी है हम लोगों का, लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत दिन से काम करते आए हैं इसलिए हम लोग इसका अनुभव है। हम लोग चाहते हैं अच्छा से अच्छा इलाज है। अब दवा अगर किसी को अंतिम समय में स्नेक बाइट को लाया जाता है उस समय में बचाना उसका बहुत कठिन है, चाहे बेनीपट्टी हो या सदर अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज। दूसरा महत्वपूर्ण आता है ARV नया बीज का इंजेक्शन, वो भी मेरे पास है लेकिन एक एक दिन में 16 20 25 इंजेक्शन का खपत है क्योंकि बेनीपट्टी क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ तो बहुत जगह से लोग आते हैं, दवा आती है समाप्त हो जाती है। ब्लीचिंग भी मेरे पास है, ORS पाउडर है, जिंक गोली है डायरिया के लिए, मेट्रोनिडाजोल है, जितना दवा। जहाँ बाढ़ थी पानी निकलने लगा है क्या वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काना आवश्यक नहीं लगा? हाँ एकदम आवश्यक है। कब तक हो पाएगा? ना ना, जहाँ जहाँ बाढ़ निकल गई है यानी पानी निकल गया वहाँ के मुखिया को आज ही हमारे पास पत्र आया है। हम लोग चूँकि मेरे पास उसके लिए अलग से निधि नहीं है तो हम लोग मुखिया जी को उसमें देंगे चिट्ठी देंगे कि आप लोग आके ले जाइए ब्लीच जो उपलब्ध है ब्लीचिंग उसी में तो सब जगह देना है, आप ले जाइए वहाँ छिड़काव करो। अभी तक एम्बुलेंस की क्या स्थिति है? एम्बुलेंस मेरे पास दो है लेकिन एम्बुलेंस की यही स्थिति है, उसका समय से मरम्मती नहीं हो पाता है लेकिन अभी चल रहा है। सर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है जैसे करहाड़ा, मुख्य रूप से जो करहाड़ा क्षेत्र है सर पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है, वहाँ के लोग जो है दवा लेने के लिए आ नहीं पा रहे हैं सही समय से? वहाँ दवा मेरा मेडिकल कैंप चल रहा है। जी वही पूछना चाह रहे थे, कैंप चल रहा है सर? हाँ मेडिकल कैंप चल रहा है, उसमें डॉक्टर नवीन उसके बाद जो एक स्टाफ वहाँ है प्रतिदिन वहाँ जो है दवा बंटवाया होता है और DM साहब को भी हम लोग भेज दिए हैं सब जगह मैसेज।